मुझे खुद फख्र होता है इस बात का कि मैं विस्लिंग वुड्स का हिस्सा हूँ। जब से विस्लिंग वुड्स की शुरुआत हुई और जो कुछ मैंने यहाँ पाया है वो मैंने खुद ट्रेनिंग लेके कभी नहीं पा सका, बच्चों के साथ काम करके। और फख्र की बात है कि आज़ादी के 75 महोत्सव पर हम सब मिल रहे हैं, हम सब अपने देश प्रेम की, देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने दिल में रखनी ज़रूरी है, भले हम अपने मुंह से वो बोलें या ना बोलें, लेकिन ये मुल्क हमारा है और हम ही अगर इससे प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक ये माँ है हमारी और माँ 75 साल की हो गई है, तो माँ का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ। ऐसे मौके पर कर्मा की बातें की है, जो वी आर टॉकिंग अबाउट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सुभाष जी ने एकदम सही पिक्चर उस वक्त बनाए और उसमें हम लोगों को मौका मिला काम करने का। मैं यही कहूँगा कि बस बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, जय हिंद। आज का मौका हमें एक रियूनियन किस्म का लगा, क्योंकि कर्मा की टीम के साथ बहुत सालों के बाद हम लोग सब इकट्ठे हुए, एंड आई थिंक द नॉस्टैल्जिया और जो यादें आती हैं इतने साल के बाद, आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल ओकेजन, एंड विस्लिंग वुड हैज़ रियली मेड यंग स्टूडेंट्स गिव द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। उनको ट्रेन किया जाता है, जैसे मैं कह रही थी वहाँ पे कि हम बिल्कुल रॉ आए थे। यहाँ पे बच्चों को बहुत हुनर सीखने का मौका मिलता है और बेस्ट टीचर्स से हुनर सीखने का मौका मिलता है, एंड टुडे बीइंग आज़ादी का महोत्सव, आई थिंक कर्मा वॉज अ फिल्म विच हैड द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज़म, और उस टाइम पे मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी हिट थी। इतनी बड़ी स्टारकास्ट की फिल्म मुझे लगता है पहले नहीं बनी थी। हर इंसान का फैबुलस रोल था उसमें, सो आई वॉज लकी टू बी वर्किंग इन कर्मा एंड हैड अ फैबुलस म्यूजिकल सक्सेस विद सुभाष जी, एंड आई एम रियली फीलिंग सो हैप्पी टू बी हियर टुडे।